का कार्यक्रम जो उधम सिंह नगर में एक नर्स का बलात्कार हुआ है, उनका शव प्राप्त हुआ है, उस सिलसिले में जो पुतला दहन था राज्य सरकार का, वो विशुद्ध रूप से महिला कांग्रेस का प्रोग्राम था और महिला कांग्रेस का ही आह्वान था, उन्हीं का नेतृत्व था महानगर महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा का। हाँ, मीडिया विभाग उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पत्रकार बंधुओं को सूचना प्रेषित करने का काम मैंने जरूर किया। न इसमें आह्वान मेरा था, न नेतृत्व मेरा था, न कार्यक्रम मेरा है। ऐसे में शायद किसी संवादहीनता की वजह से पुलिस प्रशासन रात के 1:15 बजे मुझे नोटिस देने के लिए आई, और क्योंकि उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने उनको एंटरटेन करने के लिए साफ मना कर दिया और उनसे किसी भी चीज को प्राप्त नहीं किया। मेरे द्वारा SO वसंत विहार को फोन किया गया, फोन नहीं उठा। मेरे द्वारा SP सिटी को फोन किया गया, वो नहीं उठा। और उसके बाद अनंतोगत्वा कप्तान से मेरी बात हुई तो कप्तान साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि जो भी कार्रवाई है वो सुबह होगी, और मैं अभी दूरभाष पे उनको अवगत करा देता हूँ कि रात में कुछ ना किया जाए। और सुबह तड़के 6:30 बजे 2 कांस्टेबल पुनः मेरे दरवाजे पे थे नोटिस देने के लिए, और नोटिस में ये बात कही गई है कि पुतला दहन की कोई परमिशन नहीं ली गई है सक्षम अधिकारियों से, और यदि पुतला दहन हुआ तो मेरे ऊपर विधिक कार्रवाई होगी। कार्रवाई किस बात की होगी ये समझ से परे है, क्योंकि मैंने पड़ताल की तो पता लगा कि पुतला दहन की आज तक कोई परमिशन नहीं ली गई है, ना ली जाती है। एक परिपाटी चली आ रही है कि हाँ, धरना प्रदर्शन हो, जुलूस हो, सचिवालय विधानसभा घेराव हो, तो उसमें परमिशन ली जाती है सिटी मजिस्ट्रेट की, लेकिन पुतला दहन के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती, ना ली गई है पहले। लेकिन अब बौखलाहट में इस तरह का कदम क्यों उठाया जा रहा है समझ से परे है। बहुत भले लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे जो घर पर आए थे, वो भी अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे, उनको शीर्ष अधिकारियों का कोई दबाव रहा होगा जो वो आए। लेकिन मेरा निवेदन है आला कमान से कि एक तो मैं 94 वर्ष के अपने बूढ़े ससुर जी के साथ और 80% शारीरिक विकलांग अपनी बेटी जो 23 वर्षीय है उसके साथ रहती हूँ, तो जब आप इस तरह से रात में आते हैं, आधी रात में आते हैं, तो पूरे परिवार में हड़कंप अलग मच जाता है और वो असहाय महसूस करते हैं। ये मानसिक पीड़ा का सवाल है जिससे मैं सारी रात गुजरी हूँ, क्योंकि नोटिस रात में मैंने पढ़ा नहीं तो पूरी रात इस कश्मकश में बीत गई कि आखिर ऐसा क्या अपराध मैंने किया है, क्योंकि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा है नहीं, और आधी रात को मुझे लगता है कि उठाने के लिए दुर्दांत अपराधियों को ही जाया जाता है। ऐसे में सुबह का इंतजार किया जाना चाहिए था, और ये पहली बार नहीं है कि मेरी सोसाइटी में इस तरह से मुझे बदनाम किया जा रहा हो। समाज का ध्यान भी ये पुलिस प्रशासन नहीं रख रहा है। 19 अप्रैल को यहाँ लोकसभा की वोटिंग थी उत्तराखंड की, और 18 अप्रैल की रात 8:30 बजे फिर पुलिस प्रशासन आधे घंटे तक मेरे घर में गश्त करता रहा, जिसकी CCTV फुटेज और शिकायत मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय कप्तान साहब से की गई, और दोनों के द्वारा मुझे ये आश्वस्त किया गया कि मामले की पड़ताल की जाएगी कि आखिर पुलिस क्यों भेजी गई। और ये मामला आज भी मेरे लिए मिस्ट्री है, राज है कि मेरे घर में 18 अप्रैल को पुलिस क्यों आई थी। ऐसे में पुनः उस वाक्य का दोहराया जाना और 1:15 बजे एक महिला के घर में बिना महिला कांस्टेबल के पुलिस का प्रशासन का आना, मुझे लगता है पुलिस की छवि के लिए भी बहुत खराब है, और इस तरह की चीजों से बचा जाना चाहिए। और अगर कोई वारदात हुई है उत्तराखंड के अंदर तो उसका विरोध भी होगा। हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हमारा कर्तव्य है विरोध करना, और हमने वही करने का महिला कांग्रेस प्रयास कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं दमन है, ये तानाशाही है, जिसके विरुद्ध में मैं SO वसंत विहार को भी अपना पक्ष रख रही हूँ नोटिस के उत्तर में, और मैं महानिदेशक जी से भी समय ले रही हूँ, उनसे भी मिलकर मैं अपनी पीड़ा उनके सामने रखूंगी। अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा जी का भी एक वीडियो देख रहा था कि उनको भी, उन्होंने जब रुद्रपुर में कांग्रेस के लोगों ने वहां पे विरोध किया तो रात को 1 बजे पुलिस उन्हें नोटिस देने आ जाती है। आखिरकार 1 बजे रात को एक महिला के घर में आके नोटिस देने का मतलब क्या? उसका उत्पीड़न नहीं है क्या? उस महिला की निजता का हनन नहीं है? जब रात को महिला अपने घर में है 1 बजे रात, क्या उसकी निजता का हनन नहीं है? क्या अपराध पुलिस स्वयं नहीं कर रही है? 1 बजे रात किसी को नोटिस देने का कोई समय है? तो पुलिस को भी गिरेबान में झांकना पड़ेगा, और पुलिस के साथ ही मुख्यमंत्री धामी जी को भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार उनकी पुलिस ये कर क्या रही है। क्या 1 बजे रात किसी महिला को नोटिस देने जाना उचित है? क्या अगले दिन नहीं जाया जा सकता था? तो सरकारों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जब ये इस तरह के अपराध होते हैं तो उनको राजनीतिक पार्टियों की जो सीमाएं हैं
उससे बाहर निकलकर देखा जाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो हमारे युवा हैं या किसी भी दूसरे संगठन के हैं, ये NSUI के हैं या किसी भी छात्र संगठन के हैं, उन लोगों को अपनी पार्टी लाइन से बाहर निकलकर इन लड़ाइयों को साझे तौर पर लड़ना चाहिए, तभी हमारा समाज सुरक्षित हो सकता है। आप किन्हीं दूसरे मुद्दों पर अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां आपकी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, मां बहनों के साथ या किसी युवा के साथ, समाज के किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अपराध होते हैं, वहां पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो खासतौर पर जो गरिमा दसौनी जी को ये नोटिस देने 1 बजे रात उत्तराखंड पुलिस पहुंची और उन्होंने बताया कि कोई पुलिस की कोई महिला पुलिस की कोई जवान या कांस्टेबल या कोई अधिकारी उनके साथ नहीं था, ये बड़ा आपत्तिजनक है और ये मैं इसे अपराधी मानूंगा। 1 बजे रात किसी महिला को इस तरह से परेशान करना है, उनका उत्पीड़न है, उनकी निष्ठा का हनन है। और गरिमा जी को आगे बढ़ के प्रेस में आना चाहिए और जो भी वो लोग थे इतनी रात को वो आए थे, उनके खिलाफ भी कानूनी तौर पर आप कार्रवाई कर सकती हैं।